बीते 9 दिनों से चल रही नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। पालिका कर्मचारियों की प्रदेश कार्यकारिणी की मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के उपरांत यह फैसला लिया गया है। हड़ताल स्थगित होने के बाद सफाई कर्मचारी नगर की सफाई में जुड़ गए हैं। इधर नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल तथा ईओ राजदेव जायसी ने सफाई कर्मचारियों के फैसले का स्वागत करते हुए सहयोग के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। सफाई कर्मचारी संगठन ने भी सहयोग के लिए जनता व अन्य संगठनों का आभार जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि आश्वासन के मुताबिक उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। हमारे आज देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राज मसीह के आज्ञा के कारण से आज हमने अपनी समस्त सेवाकर्ता संविदाकर्मी स्थायी कर्मी समस्त सफाई कर्मचारी हमारे आज सुबह से ही कार्य पर लौट आए हैं और हमारी जो समस्त 11 सूत्री मांगें थी तो हमारे प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी बैठे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष राज मसीह जी, बांकेलाल जी, महामंत्री श्री राजपाल वार जी, इन सबके सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री जी से कल वार्ता हुई है। उन्होंने हमारे पदाधिकारी को आश्वस्त और आश्वासन दिया है कि आपकी जल्द से जल्द मांग पूरी कर दी जाएंगी। अगर इस हमारी मांगों का पूर्ण नहीं मानी गई या हमारा कोई हमारा शासनाधीन नहीं निकाला गया तो हम देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी प्रदेश राजनीति के आह्वान पर फिर दोबारा से कार्य बहिष्कार कर देंगे। 9 दिन तक लगातार कार्य बहिष्कार रहा जिसमें जो कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के समिति के जो सदस्य हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करने गए और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें जो है आश्वासन दिया गया है और जल्द से जल्द जो है शासनादेश भी जो है निकाला जाएगा। और मैं समस्त अपने शहर के वासियों से मुझे खेद है कि सफाई कार्य हमारे द्वारा जो है बंद रहा और उन लोगों को परेशानी रही, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आज से जो है हमारे समस्त सफाई कर्मचारी जो है कार्य में वापस हो गए हैं और आपको कल से जो है पुनः आपका पुराना बागेश्वर और स्वच्छ बागेश्वर जो है देखने को मिलेगा। ऐसा है कि हमारा जो है हमारा जो धरना है वो सिर्फ स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम दोबारा से जो है सफाई कार्य बंद कर देंगे और प्रदेश और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जितने भी बाहरी संगठनों द्वारा हमें सर्वप्रथम व्यापार मंडल द्वारा हमें सहयोग दिया गया था, मैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा और जितने भी प्रतिनिधियों द्वारा हमें समर्थन दिया उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा और समस्त अपने कर्मचारियों की ओर से सभी का जो है धन्यवाद अदा करूंगा और जनता की परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने फिर से जो है कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। देखिए, ये कर्मचारियों ने आज अपनी हड़ताल समाप्त कर ली है और ये 10 बजे हमारे जितने भी कर्मचारी सब फील्ड में निकल गए हैं, हमारी गाड़ियां निकल गई हैं, जेसीबी निकल गई है, तो जितने जगह भी अभी तक जो दिक्कत थी कूड़ा की वो हम आज कोशिश करेंगे कि आज पूरी तरह से हो जाए साहब। अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत रह जाता है तो कल तक तो हम पूरी तरह से नगर को जो पहली स्थिति थी उस स्थिति में लाएंगे। और इसी के साथ मैं सभी अपने नगरवासियों को भी धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है हड़ताल के काल में। अगर हमारी जनता सपोर्ट नहीं करती तो हमें बहुत दिक्कत होती क्योंकि जगह जगह कूड़ा हो जाता, लेकिन इनके जो हड़ताल काल में जो हमारी यहाँ की जनता ने सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें स्वच्छ भारत या नगर के अंतर्गत नगर पालिका को स्वच्छ साफ बनाने में पूर्ण अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड सरकार के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। हड़ताल समाप्त होने के बाद जनता ने जरूर राहत की सांस ली होगी, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों के मन में अभी भी संशय और आशंका बनी हुई है। इस चुनावी साल में इस आशंका को दूर करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।